हाय एवरीवन, वेलकम टू मेंटोमीटर बाय कल्पना सिंह। एंड जब हम यूपीएससी की तैयारी या यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन आता है, सिलेबस क्या होगा, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या बुक लिस्ट होगी। तो आज ये छोटी सी वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो कि इस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हम सबसे पहले सब जो है सिलेबस डिस्कस करेंगे, क्या उसका पैटर्न है वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद मैं आपसे बुक लिस्ट जो है शेयर करूंगी। तो ये वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा आपको, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी अगर आप बिगनर हो। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसके 3 स्टेप्स होते हैं जो ऑलमोस्ट सभी को पता होता है जो प्रिपरेशन स्टार्ट करना शुरू करते हैं। फिर भी मैं जैसे बता देती हूँ, सबसे पहले एक क्वेश्चन होता है जो प्रीलिम्स के लिए जो पेपर होता है, उसमें 2 पेपर्स होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। एक जीएस का पेपर होता है 200 मार्क्स का, एक सी सेट होता है वो भी 200 मार्क्स का होता है। तो जो फर्स्ट पेपर होता है उसी से हमारी मैरिट बनती है प्रीलिम्स क्लियर करने के लिए। तो फर्स्ट पेपर जो होगा प्रीलिम्स के लिए होगा, सी सेट जो है क्वालिफाइंग होगा, यानी कि 200 मार्क्स में से आपको 68 मार्क्स लेके आने, यानी कि 33% मार्क्स आपको लाने हैं। उसके बाद आती है मेंस की एग्जाम जो कि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, और डिस्क्रिप्टिव पेपर में मेनली हर सब्जेक्ट के ऑप्शनल को छोड़ के टोटल जो है फर्स्ट, जैसे सेकंड डिस्क्रिप्टिव में 1750 नंबर का होता है, मेनली फर्स्ट पेपर ऐसे होता है। सेकंड पेपर में GS1, GS2, GS3 एंड GS4, 4 GS के पेपर होते हैं, और ऑप्शनल एक होता है जिसके 2 पेपर्स होते हैं। तो 5 पेपर तो स्टार्टिंग के हो गए, 5 और 2 7, और एक जो लास्ट वाला पेपर होता है इंग्लिश एंड हिंदी, यानी कि टोटल 8 पेपर्स होते हैं। उसी के बाद आता है इंटरव्यू, 275 नंबर का इंटरव्यू होता है। तो ये डिटेलिंग आप देख सकते हो, जैसे कोई सा भी ऑप्शनल ले सकते हो आप, चाहे जैसे जूलॉजी, बॉटनी, और उसके अलावा मैथ्स और सोशियोलॉजी, हिंदी, लिटरेचर की सारी जो लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस, तो ये सारा जो है। और उसके अलावा जो पेपर होता है 600 मार्क्स का क्वालिफाइंग पेपर होता है, 8 तक की इंग्लिश आती है और हिंदी में 9th क्लास तक की हिंदी आती है, क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। तो टोटल मिला के 9 पेपर्स हो गए, क्योंकि 5 पेपर्स हो गए एक तो ऐसे का, 4 जो है GS1 से GS4 तक के 5 सब्जेक्ट, और 2 पेपर होंगे सब्जेक्ट के ऑप्शनल वाले, तो 5 और 2 7, और उसके बाद होता है एक इंग्लिश का 8 और एक होता है हिंदी का 9। सो टोटल 9 पेपर हो जाते हैं मिला के, और उसके बाद इंटरव्यू आता है। तो जब हम इसको क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद इंटरव्यू की स्टेज आती है, उसके बाद हम बुक लिस्ट के बारे में बात करेंगे। आई थिंक चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे अब आती है पॉलिटी की बारी। तो जनरली पॉलिटी में मैं सजेस्ट करूँगी आपको, एक तो बोला जाता है 11th की एनसीईआरटी, 11th और 12th की यहाँ पढ़ लो, तो पॉलिटी की एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है आपको। इसमें मैंने 11th मेंशन की हुई जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जनरली बोला जाता है कि एनसीईआरटी हमें स्टार्टिंग से, अगर आपके पास टाइम है, मतलब इनफ टाइम है, जैसे कुछ बच्चे 12th से स्टार्ट करते हैं, कुछ ग्रेजुएशन से, तो ये चीज़ें आपको देखनी है कि आपके पास टाइम कितना है। अगर आपके पास कम टाइम है तो आप जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज मैंने मेंशन करी है आप उन्हें कवर कर सकते हो। आपके पास अगर एम्पल ऑफ टाइम है, टाइम ज़्यादा है, तो आप 6 से 12 तक की एनसीईआरटी, जिसमें से कुछ एनसीईआरटीज को अच्छे से रीडिंग लगाओ, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज है उनको रिलीजियसली पढ़ना है आपको। तो जब एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी तब लक्ष्मीकांत पे स्विच करोगे आप, और लक्ष्मीकांत को कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी बहुत सारी जो भी प्रिंटेड मटीरियल मिल जाती है मार्केट में, तो आप जाके जो लेटेस्ट वाला प्रिंटेड मटीरियल है आप वो ले सकते हो। जैसे कि और यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो कि काफ़ी जो क्वालिटी को बहुत सिंप्लीफाई तरीके से करवा सकते हैं। मेरे चैनल पे भी मैंने क्वालिटी की प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें कि ऑलमोस्ट 50+ लेक्चर्स पड़े हुए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे सेल्फ मेड नोट्स हैं, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो। कोई चीज़ आपको नहीं समझ आती तो आप मुझे पिंग कर सकते हो, तो उससे क्या होगा कि आपको हेल्प मिल जाएगी। अगर आप बिगनर हो, आपने प्रिपरेशन की है, अगर कोचिंग नहीं लेना चाहते, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ये एक सही तरीका है कि जो चीज़ मार्केट में अभी फ्री अवेलेबल है आप उसको एक्सप्लोर करके पहले इस एग्जाम के बारे में जानो, अच्छे से समझो। जो 12th क्लास कर चुके हैं, जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम परस्यू करना चाहते हो, तो उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि एक तरीके से आप स्टार्ट करो। 3 साल होंगे आपके पास जिसमें कि आप अपनी पूरी एनसीईआरटी कवर करो, स्टैंडर्ड बुक्स अच्छे से पढ़ो। जो यूट्यूब में बहुत सारे जो है लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे अच्छे चैनल्स हैं जिनकी लिस्ट मैं आपको दूंगी ये वीडियो कंप्लीट करने के बाद, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब उसके बाद आती है कोई से भी नोट्स, चाहे आप दृष्टि आईएएस के नोट्स ले सकते हो, विजन आईएएस के नोट्स ले सकते हो, या फिर बाजीराम के नोट्स ले सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर हम दूसरे सब्जेक्ट पे जंप इन करते हैं। अब हम बात करते हैं ज्योग्राफी की। सो ज्योग्राफी के लिए 6 से 10 तक की एनसीईआरटी बेसिक्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कुछ लोगों के पास साइंस बैकग्राउंड होता है और कुछ के पास आर्ट्स, तो डिपेंड करता है कि आपका बेसिक कितना क्लियर है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हैं, 10th, 11th एंड 12th की एनसीईआरटीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप चाहे तो माजिद हुसैन ले सकते हो, जी सी लियोंग ले सकते हो, इन दोनों बुक्स में से एक ही बुक पढ़नी है, माजिद हुसैन और जी सी लियोंग। उसके बाद आती है ऑक्सफोर्ड की एटलस, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा एक एटलस है कांसर वाली एटलस, वो भी आप ले सकते हो, वो भी काफ़ी अच्छी लगी मुझे, और उसके रिव्यू मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं मेरे चैनल पर ही। तो आप बुक रिव्यू वाला जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर जो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसका रिव्यू आप देख सकते हो, और उसी के बाद आप जो है बुक परचेज कर सकते हो। उसके बाद जो है ज्योग्राफी के लिए आप किसी भी जैसे कोचिंग के नोट्स ले सकते हो, प्रिंटेड मटेरियल, उससे क्या होगा कि आपको नोट्स बने बनाए मिल जाएंगे। कोई चीज़ समझ नहीं आती, एक पैटर्न होता है हर सब्जेक्ट का, तो किसी अच्छे नॉन फैकल्टी के नोट्स आप ले सकते हो। जैसे आप ले सकते हो ऋषिकेश दूधत सर के नोट्स, इज नो मोर इन दिस वर्ल्ड, बट उनके जो भी पढ़ाने का तरीका था वो बहुत अच्छा था। मैं उनकी कुछ यूट्यूब पे क्लासेस होती थी वो मैंने देखी हुई है, तो वो बहुत अच्छा समझाते थे, तो आप उनके नोट्स भी ले सकते हो, काफ़ी ज़्यादा अच्छा पढ़ाते थे वो, तो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बाकी ज्योग्राफी के लिए भी मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है, मेरे चैनल पर भी देख सकते हो। उसके अलावा आप जो है ओनली आईएएस की जो है यूट्यूब चैनल पे जा सकते हो, उन्होंने जी सी लियोंग कंप्लीट कराई हुई है, शायद 12 आवर्स का जो है पूरा एक वीडियो है, उससे आप जी सी लियोंग कवर कर सकते हो, और ओनली आईएएस इज़ वेरी वेरी गुड चैनल, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी अगर आप कोचिंग स्टार्टिंग में नहीं लेना चाहते हो। उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट पे मूव करते हैं।
सो ये जीसी लियोन का कवर है, तो दोनों में से जो भी आपको लगे, क्योंकि जो ब्लैक वाली है उसका जो है लेटेस्ट वर्जन है, उसके बाद हम एनवायरमेंट पे मूव करते हैं। तो एनवायरमेंट के लिए शंकर आईएस की बुक काफ़ी अच्छी है, और उसके अलावा किसी भी कोचिंग के नोट्स जैसे विजन आईएस के, बाजीराम के नोट्स ले सकते हुआ, और करंट अफेयर के लिए PT 365 और मंथली मैगजीन, इससे आपका एनवायरमेंट बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। नेशनल पार्क्स और वेटलैंड्स वगैरह की जो वीडियोस हैं, एनवायरमेंट की वीडियो मैंने अपने चैनल पे भी डाली हुई हैं, जो कि मेरे सेल्फ मेड नोट्स हैं और बहुत ही ज़्यादा ल्यूक्रेटिव हैं, तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे बिफोर गोइंग फॉर एनी कोचिंग। ये जो है आपका होमवर्क होगा, तो जो अगर आप ये होमवर्क कंप्लीट कर लेते हो, और उसके बाद इफ यू विल बी एबल टू अफोर्ड द कोचिंग, क्योंकि 1.5 लाख रुपीज़ तो आपको चाहिए होगा कोचिंग के लिए, अगर आप ऑफलाइन ले रहे हो। ऑनलाइन में तो शायद 1 लाख तक में हो जाए आपका, बट इतना मिनिमम चाहिए। फिर अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ले रहे हो तो आपका जो है एक्सपेंस होगा रहने का, खाने का, तो वो अलग होता है। घर पर रह के ऑनलाइन कोचिंग अगर आप ले सकते हो तो थोड़ा कम में भी पड़ेगा। उसके अलावा कुछ अफोर्डेबल कोचिंग से, जैसे फिजिक्स वाला ने 8000 के अराउंड निकाला है, खान सर ने भी 10000 के अराउंड में, जो इंग्लिश के लिए है, इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए 7500 ले रहे हैं वो, तो ये कोचिंग से भी आप हेल्प ले सकते हो, ताकि आपका एक पेस बन जाएगा और एक सही जो है टाइम पे आपकी जो ये यूपीएससी की प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप कितने सही टाइम पे ये प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपके पास एम्पल ऑफ टाइम रहता है। तो अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। सो इकोनॉमी के लिए आप एनसीईआरटी 11th 12th की, और मैं सजेस्ट करूँगी 9th 10th की एनसीईआरटी भी आप अच्छे से पढ़ो, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं पता होता, इकोनॉमिक्स ठीक से समझ नहीं आती। तो उसके बाद आप जब ये एनसीईआरटी कंप्लीट कर लोगे, और उसके बाद आप रमेश सिंह, कपिल सिकल सर की एक स्टडी आईक्यू पे पूरी प्लेलिस्ट पढ़ी है, उन्होंने बहुत अच्छा समझाया है, या फिर आप ओनली आईएएस में जाके भी ये चीज़ पढ़ सकते हो आराम से, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अगर ये चीज़ें मिल रही हैं और ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं, तो आपका जो प्रिपरेशन जर्नी होगा बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। उसके बाद आप प्रिंटेड नोट्स ले सकते हो, जैसे विजन आईएएस के नोट्स मिलते हैं मार्केट में, और बाजीराम के नोट्स भी मिलते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी कि आप मृणाल सर के नोट्स लो, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं, और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इजी भी हैं समझने के लिए। और ये जो है, जैसे आपने कपिल सिक्का सर के अगर वीडियो देख लेते हो आप यूट्यूब वाले, जितना भी उनका प्लेलिस्ट है, और मृणाल सर की जो हैंड आउट है उसे आप कंप्लीट करते हो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, बिना कोचिंग के भी आप अच्छी खासी प्रिपरेशन कर लोगे। उसके बाद हम नेक्स्ट सब्जेक्ट में मूव करते हैं एंशियंट हिस्ट्री के लिए, और एंशियंट हिस्ट्री के लिए मैं सजेस्ट करूँगी आपको तमिलनाडु बोर्ड की बुक पढ़ो आप। उसके बाद जो है क्लास 10th 11th की एनसीईआरटी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वैसे अगर आपने हिस्ट्री अच्छे से नहीं पढ़ी तो आप 6 से ही स्टार्ट करो हिस्ट्री, और बिगनर हुआ तो 6 से 10th तक की एनसीईआरटी को अच्छे से करो, फिर 11th 12th की एनसीईआरटी से उसको कॉम्पनसेट करो। उसके बाद बिपिन चंद्रा मैं सजेस्ट करूँगी, यहाँ पर रमेश शर्मा लिखी हुई है मैंने, क्योंकि बहुत लोग रमेश शर्मा भी सजेस्ट कर, रामचरण शर्मा भी सजेस्ट करते हैं, बट मैं सजेस्ट करूँगी आपको कि आप बिपिन चंद्रा पढ़ो, और उसके बाद ये जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, और बाकी एनसीईआरटी से काफ़ी ज़्यादा कुछ कवर हो जाएगा। फिर किसी भी कोचिंग के नोट्स ले सकते हो आप, प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, और आपको बहुत ही मिनिमम प्राइस में मिल जाएंगे, तो कोचिंग का जो वो है कॉस्टिंग अगर आप बेयर नहीं कर पा रहे, तो इससे आपका जो प्रिपरेशन इजीली कॉम्पनसेट हो जाएगा, और आपका ये जो थॉट प्रोसेस है इस एग्जाम के लिए वो डेवलप हो जाएगा अच्छे से। बाकी मेरी जो है प्लेलिस्ट भी है मेरे चैनल पर, आप वो भी देख सकते हो, तो उससे भी आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन जर्नी से मैंने ऐसे ही स्टार्ट किया था। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ आई होगी। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट में मूव करते हैं। सो मेडिवल इंडिया के लिए अगेन आपको सतीश चंद्रा की बुक रेफर करनी है, और उसके साथ आप जो है एनसीईआरटी को कंप्लीट करोगे, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने ऑलरेडी ये पिक्चर में दिखा दी है, बाकी आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक और एनसीईआरटी ऑफ आर्ट एंड कल्चर वो आप रेफर करना, तो इससे आपका जो रिक्वायरमेंट है सफाइज हो जाएगी। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए जो है स्पेक्ट्रम बिपिन चंद्रा, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है आपको। सो हिस्ट्री के लिए भी 6 to 12 तक की एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद स्पेक्ट्रम बहुत रिलीजियसली पढ़ना है, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए, बिपिन चंद्रा जो है मेंस के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्पेक्ट्रम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। तो ये जो है हिस्ट्री का पोर्शन इससे कंप्लीट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट जो है सब्जेक्ट पर मूव करते हैं। सो नेक्स्ट सब्जेक्ट रहता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 6 से 10th की एनसीईआरटी जो साइंस बैकग्राउंड से हो या ना हो, उनके लिए सबके लिए इंपॉर्टेंट है 6 से 10th की एनसीईआरटी आप पढ़ो। उसके बाद किसी भी कोचिंग के प्रिंटेड नोट्स ले सकते हो आप, जो कि बहुत ईजीएस्ट वे होगा आपको समझने के लिए कि आपको नोट्स कैसे बनाने और किस जो है मतलब परफॉर्मर में आपको कंप्लीट करना है ये सब्जेक्ट, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद ये जो है मेनली मैंने प्रीलिम्स के लिए आपको बताया है, मेंस के लिए जैसे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड उसके अलावा जो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस इफ़ आई टॉक अबाउट जैसे इकोनॉमी के लिए भी मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरी चीज़ है सो साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपका इन सारे जो भी बुक्स हैं और मटेरियल है स्टडी का उनसे कवर हो जाएंगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स आता है, बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं या फिर उन्हें समझ नहीं आता है कि हम कहाँ से ये मटेरियल लें। तो सबसे पहले आता है वर्ल्ड हिस्ट्री, आप प्रिंटेड नोट्स ले लो किसी भी कोचिंग के, ले लो जो भी रिनाउन कोचिंग है, चाहे दृष्टि हो, विजन आईएएस हो या बाजीराम हो, वहाँ से ले सकते हो। डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी सेम ही करना है आपको, इंटरनेशनल रिलेशन, सोशल जस्टिस एंड एथिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, उसमें अगर आप हिंदी में समझ सकते हो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप ओनली आईएएस के यूट्यूब चैनल पर जाकर कर सकते हो। उसके अलावा एग्जामपुर के उसमें आज़ाद सर ने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें कि 128 लेक्चर्स हैं, उसमें वहाँ पर जाकर भी आप कंप्लीट कर सकते हो, और किसी भी जो इंग्लिश में आप प्रिंटेड मटेरियल ले लोगे और हिंदी में अगर वो समझा देते हैं आपको, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, और इस तरीके से आप जो है अपना पूरा ये सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। एक साल की जर्नी जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितनी बार रिवाइज करते हो, और ये जो था प्रॉपर एक तरीका है कि इस तरीके से ही आपको अपना जो है कंप्लीट करना है ये सिलेबस। अब बात आती है कि आपको ये जो है A4 शीट में अपनी जो भी छोटे छोटे नोट्स वगैरह हैं वो बना के रखो, और उसी की तरीके से आप रिवाइज करो, बुक्स वगैरह हैं और जो एटलस है उसको रिवाइज करो। बहुत सारे जो चैनल्स की जो लिस्ट है, मैं कुछ 5-6 चैनल्स की लिस्ट दे दूंगी आपको, तो आप वो चैनल देख के अपना ये जो है प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। और आई थिंक ये जो है
जितना भी सजेशन है मेरा आपको समझ आया होगा और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है बहुत सिंप्लीफाई तरीके से इसको करने की। बाकी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि और क्या तरीका आप फॉलो कर रहे हो अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है और चीज़ें बहुत सारी इनकॉर्पोरेट करनी है, तो टाइम बाय टाइम मैं जो है इसमें आपको एड ऑन करती रहूँगी। तो ये जो वीडियो है 7-8 मिनट की होगी, तो आप इस तरीके से अपना कंप्लीट कर सकते हो अपना सिलेबस। सो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। बाकी प्लेलिस्ट आप देख लेना पॉलिटी, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए। तो मेरा जो चैनल है आपको काफी हेल्प करेगा सेल्फ स्टडी आप कैसे कर रहे हो, और कुछ जो चैनल्स होंगे दूसरे वाले मैं आपको बता दूंगी कि वहां से अपना प्रिपरेशन को आप कंप्लीट कर सकते हो और एक पेज दे सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।